शराब ठेकेदार पर हमले के आरोपी को कैथल पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ दिन पूर्व 9 मई को शराब ठेकेदार व उसके काम करने वाले लोगों पर हमला व फायरिंग के मामले के दो आरोपियों को कैथल पुलिस ने कल पकड़ लिया। कैथल थानाधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व इस्माइलपुर रोड पर स्थित शराब ठेकेदार पर रात को कुछ लोगों ने हमला कर दिया। परिवादी की रिपोर्ट पर छानबीन करके आज दो आरोपी अशोक उर्फ डिंडा पुत्र धर्म सिंह जाति जाट उम्र 24 वर्ष व राकेश पुत्र मुकेश जाति जाट उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नगली ओरजा कैथल को पकड़कर न्यायालय में पेश करके 3 दिन की रिमांड पर आज थाने में लाया गया। फायरिंग में उपयोग में अवैध हथियारों की रिकवरी जारी है। करीबन 8-9 मई को एक घटना हुई थी, शराब व्यवसायी है उनके ऑफिस के ऊपर रात्रि में कुछ लोगों ने फायरिंग की थी। इस पर एक मुकदमा दर्ज थाना कैथल में किया गया था। इसमें एसपी साहब श्री राहुल प्रकाश जी ने शिकन स्थान के और उनके मुजरिमों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, जिसमें श्रीमान डीएसपी साहब हिमांशु जी और सीओ साहब श्री विद्यालय और मैं एसएचओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था किसी की गिरफ्तारी के लिए। काफी प्रयासों के बाद कल